मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, अब रो बैठ के तुम्हें कोई पूछता नहीं। हमने कहा प्यार करो पर प्यार न मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। देखो फलदाई वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर भी तन पे पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो उनसे स्नेह देकर बदले में सत्कार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांग। अभी अभी इसी पल ये चुटकी बजी कि आप मुक्त हो। आपकी मुक्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? शीर्षासन करोगे? क्या करोगे, क्या करोगे मुक्ति के लिए? और मुक्ति किससे? अपनी मूढ़ता से, अपनी मूर्खता से, मन की जटिलता से, चित्त की आकांक्षाओं से, बुद्धि की बेवकूफियों से मुक्ति चाहिए ना। तो फिर आओ निर्मल मति करने के लिए उन चरणों की रज माथे पे धर लो, जो रज शीश पर धारण करते ही मति निर्मल हो जाती है, बुद्धि निर्मल हो जाती है। इसलिए हमने सोचा कि नवरात्रों में हम जो है भगवती का आराधन भी करेंगे और श्री राम के चरणों की धूल को माथे पे धारण करेंगे। हम मानते हैं प्रभु अगर हमारे प्रयत्न होंगे तो हमारे प्रयत्न भी हमें अहंकारी ही बनाएंगे। मैंने इतना व्रत किया, मैं तो निर्जला रहा, हम तो अन्न खाते ही नहीं है जी, इतने दिन तक इतने घंटे हम मौन रहे, इतने घंटे मौन रहा और बाद में किसी ने कुछ कह दिया तो ऐसा बम विस्फोट हुआ, लगा एटम बम फूट गया, सारा क्रोध प्रकट हो गया। क्या ड्रामा कर रहे हो? कदाचित अपने ऊपर भरोसा है, मन को जीत लूंगा, क्रोध को जीत लूंगा, और हिमालय पे चढ़ गया, दसियों साल बाद आया। और हमारे देश से कोई हिमालय से तप करके आए ना तो पूरा देश उसके पीछे लगा, महाराज श्री बड़े त्यागी हैं, बड़े तपस्वी हैं, अरे भैया दर्शन कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। और इतनी भीड़ उमड़ी महात्मा के दर्शन करने, एक भीड़ में से किसी का पैर महात्मा के पैर पे पड़ गया। बस भैया 20 साल टंगे रहे ऊपर, पता नहीं चला कि मन की क्या दशा है, और किसी का पैर पैर पे पड़ा नहीं कि महात्मा जी तो लालटेन बन गए, आग बबूला हो गए। मूर्खों बेवकूफों, संस्कार नाम की चीज नहीं है तुम्हारे में, देखते नहीं मेरे पैर पे पैर धर दिया। और एक जागृत पुरुष वहां खड़े थे महात्मा, उन्होंने धीरे से हाथ पकड़ा और पूछा, महात्मा क्या करने गए थे हिमालय? बोले क्रोध को जीतने गया था। बोले 20 साल जो हिमालय ना बता पाया, भीड़ ने एक क्षण में बता दिया कि 20 साल पहले की जो स्थिति थी वही स्थिति आज भी, वही स्थिति वैसे ही हो। तप करने वाला तपाभिमानी तपोभिमानी हो जाता है, उसका अभिमान बहुत जटिल बहुत सूक्ष्म होता है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन उसके बंधन बड़े मजबूत होते हैं। चाय नहीं पीने वाले ना, चाय पीने वालों का नाक में दम किए रहते हैं, और जो सुबह 3 बजे उठते हैं ना पूरे मोहल्ले का नाक में दम कर देते हैं, चिल्ला चिल्ला के बताते हैं कि हम जग गए हैं, बड़े धर्मात्मा हैं हम। कितनी नौटंकी करोगे और किस किस तरह करोगे भैया, छोड़ो ना इस मूढ़ता को, किसको इन प्रभावित करने लगे हो? इस ड्रामे से चंद मूर्ख प्रभावित हो सकते हैं, बुद्धिमान जागृत व्यक्ति प्रभावित नहीं हो सकते। और कदाचित तुम्हें अपनी की गई तपस्या का अभिमान सूक्ष्म रूप से बंदी बना लेगा, इसीलिए अपने तप पर भरोसा मत कर, श्री हरि की कृपा पे भरोसा कर, सद्गुरुदेव की करुणा पे भरोसा कर।